नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक अलग टॉपिक के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बात करूंगा। और तो ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है, जिसमें आज जिसके बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है इंडिया में, वो सारे कंपनीज के बारे में हमें डिस्कस करूंगा। क्योंकि सारे कंपनी कुछ खतरे में देखने को मिल रहा है, तो वो खतरा क्या है और उस खतरे के हिसाब से देखा जाए तो क्या फ्यूचर में जो कंपनी मार्केट में यहाँ पे आ रहा है वो क्या बाकी कंपटीटर को बहुत बुरी तरीके से पीट सकते हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कुछ रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था, मैं आपको पिछले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि बहुत सारे कंपनीज है जो ईवीज के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो होंडाई जो इंडिया में भी लिस्टिंग है, मतलब इंडिया में भी है, सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला कंपनी होंडाई है। उसके बाद आप देखेंगे तो मर्सिडीज बेंज जो भी ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, और एमजी जेडस ईवी तो ये भी मार्केट में ईवीज लॉन्च कर चुके हैं। तो तीनों कंपनी का माइलेज जो है ईवीज के बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए टाटा मोटर्स, टाटा निक्सन, टाटा टियागो, सॉरी टाटा टियागर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो महिंद्रा महिंद्रा ईवी की गाड़ियाँ भी है, साथ ही साथ महिंद्रा E20+। तो सारे गाड़ियाँ ईवीज में चलने स्टार्ट हुआ। तो मार्केट में टाटा मोटर्स ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया ईवीज के ऊपर। उसके बाद बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, और इस बाकी सारे कंपनीज को मात देने वाला है और एक कंपनी जो मार्केट में अभी लॉन्च होने वाला है। तो चलो उसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी देखा जाए तो वॉल्वो। आप सभी जानते हैं वॉल्वो के बारे में। इंडिया में सबसे पहले अगर कोई सीट बेल्ट का इन्वेंट किया था, तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, तो वो वॉल्वो कंपनी किया था। वॉल्वो चाहते तो उस सीट बेल्ट को इन्वेंट जो उन्होंने किए थे उसको पेटेंट बना सकते थे, फिर भी उन्होंने पेटेंट नहीं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनका कहना है कि सीट बेल्ट एक सेफ्टी के हिसाब से, सीट बेल्ट हो गया तो वो एक सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने इन्वेंट किया, और सेफ्टी हर हर गाड़िया में होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर खुद के मतलब कंपनी ने उस फैक्टर के ऊपर पेटेंट नहीं किया, तो इसलिए आज हर गाड़ी में सीट बेल्ट देखने को मिलता है। तो उन्होंने उस सीट बेल्ट का इन्वेंट वॉल्वो ने किया था। तो वॉल्वो का जो गाड़ियां है वो भी क्या करने वाला है इंडिया में, आप बिजनेस करने वाला है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो ईवीज का बिजनेस यहाँ पे करने वाला है। तो एक थोड़ा सा खतरा बन सकता है बाकी कंपनीज के लिए, क्योंकि देखिए वॉल्वो में जितना सेफ्टी दिया जाता है वर्ल्ड में, अगर रेटिंग के हिसाब से अगर किसी भी गाड़ी का सबसे ज्यादा सेफ्टी दिया जाता है वो है वॉल्वो कार में, क्योंकि वॉल्वो कार सबसे ज्यादा लग्जरीज आपको दिखेगा, साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा सेफेस्ट भी दिखेगा, क्योंकि बहुत प्रोटेक्शन दिया जाता है, बहुत सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो चलो दिखा देता हूँ इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते ये बाकी कंपनीज के ऊपर खतरा बन सकते हैं। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट auto.com मतलब इकोनॉमिक्स टाइम auto.com के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वॉल्वो कार्स कुड गो फुल्ली इलेक्ट्रिक इन इंडिया बाई अराउंड 2025 सेज कंपनी ऑफिशियल। मतलब यहाँ पे सोचिए, सोचने वाला बात हो गया कि वॉल्वो कार्स ने यहाँ पे फुल्ली इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया में यहाँ पे मार्केट में बेचने वाले है अराउंड 2025, मतलब 2025 सालों से पहले ही मार्केट में वॉल्वो कार लॉन्च होने वाला है, और वो भी इंडिया में। देखिए वॉल्वो कार तो लॉन्च हो चुके हैं, ईवीज का जो वर्सन है, ईवीज का जो गाड़ियां है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ऑफिशियली वो लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे बात क्या है, चलो मैं और भी आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए वॉल्वो आप सभी जानते हैं, आप बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि वॉल्वो के ज्यादा से ज्यादा बासेस देखने को मिलता है, और इसका जो वॉल्वो का जो बासेस होते हैं वो बहुत लग्जरीज बासेस होते हैं। तो सेम टू सेम इसका गाड़ियों में भी बहुत लग्जरीज देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं स्वदेशी लग्जरीज, यहाँ पे देखिए कर्म कार मेकर वॉल्वो कार्स, तो
कुड गो फुल्ली इलेक्ट्रिक इन इंडिया बाई अराउंड 2025, मच अहेड ऑफ इट्स ग्लोबल टारगेट ऑफ बिकमिंग ए फुल्ली इलेक्ट्रिक कार कंपनी बाई 2023। मतलब सिर्फ इंडिया में 2025 में वो गाड़ियाँ लॉन्च नहीं कर रहा है, ग्लोबली मार्केट में उसका जितने सारे गाड़ियाँ हैं वो सारे गाड़ियों को क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब ग्लोबली मार्केट में 2030 के अंदर अंदर उनका टारगेट है वर्ल्ड के हर कंट्रीज में उसका गाड़ियाँ जहाँ पे बेचा जाता है वो पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ बंद करेंगे, ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट कंपनी ने लिया है। उस टारगेट के हिसाब से कंपनी में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं व्हिच विल लॉन्च ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ एसयूवी C40 इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023। तो 2023 फोर्थ क्वार्टर के अंदर अंदर एक नया गाड़ियाँ एसयूवी लॉन्च करने वाला है, इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। विल कीप लॉन्चिंग वन इलेक्ट्रिक व्हीकल एवरी ईयर इन द कंट्री गोइंग फॉरवर्ड। तो हर साल में एक एक करके गाड़ियाँ वो लॉन्च करेंगे, इस तरीके से कुछ कमिटमेंट किया जा रहा है। तो वॉल्वो कार्स हेड ऑफ कमर्शियल अपॉर्चुनिटी सॉरी ऑपरेशंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल ऑपरेशन ऑपरेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी जब मार्केट में लॉन्च करेंगे खुद के गाड़ियाँ, और वॉल्वो आप सभी जानते हैं सेफ्टी रेटिंग में नंबर वन है, तो लोगों को फोकस हमेशा उस कंपनी के ऊपर भी होगा जो कंपनी सेफ्टी रेटिंग अच्छा देंगे, जो माइलेज अच्छा देंगे और जिसका कॉस्ट भी कम होगा। तो अभी देखना बाकी है जो गाड़ियाँ मार्केट में आ रहा है वॉल्वो का उसका प्राइस कितना है, उसका माइलेज कितना है, सब कुछ देखने के बाद आपको पता चलेगा उस कंपनी में मार्केट किस तरीके से करेगा। देखिए टाटा और महिंद्रा और देखा जाए तो होंडा और साथ ही साथ मारुति, जितने सारे गाड़ी में मतलब कार मेकिंग कंपनी है, तो वो सारे कंपनीज देखा जाए धीरे धीरे करके पेसर में आ रहा है। क्योंकि देखिए जब कोई मतलब को जब जब कोई प्रोडक्ट के ऊपर कंपिटिटर बढ़ जाते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक हमेशा प्रेशर क्रिएट देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए उस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने के पीछे एक और एक लॉजिक भी है, क्योंकि देखिए जब मार्केट में नया नया गाड़ी आएगा अगर वो फीचर्स अच्छे तरीके से देंगे और फैसिलिटीज भी अच्छे तरीके से देंगे तो जितने सारे कंपिटिटर है उसका भी बिजनेस करने के लिए दाम कम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। तो सब कुछ करने के लिए मार्केट में जो एक एक मोनोपोली बिजनेस जितने सारे कंपनीज कर रहे थे उसका मोनोपोली घट जाएगा, और बिजनेस भी देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि कंपिटिटर भी माल बेचना चाहेंगे। तो इसलिए बाकी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है टाटा मोटर्स जैसे कंपनी और मारुति ने भी अनाउंसमेंट किया 2000 जो मतलब 2023 से 26 के अंदर अंदर वो खुद का फर्स्ट ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो अभी देखना है कौन मार्केट में रह पाएंगे, टाटा के महिंद्रा के होंडाई के मारुति के वॉल्वो, तो अभी देखना है कौन सा कंपनी मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो आप इस बात से एक चीज तो क्लियर होता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत तेजी से होने वाले हैं। तो अभी देखना बाकी है कि कौन सा कंपनी टक्कर किसको दे पाए। तो मेरा कहने का इस वीडियो का मेन जो थिंकिंग था आपको ये बताना था कि मार्केट में जब नया नया कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं और उस कंपनी का इम्पैक्ट हमेशा मार्केट को एक थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो बाकी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो आप आपके पास टाटा मोटर जैसे कंपनी, महिंद्रा जैसे कंपनीज है तो आपको उसके ऊपर भरोसा है तो जरूर कंटिन्यू करिएगा। इस तरीके से न्यूज़ देखकर आप कोई भी शेयर को बेच मत देना और खरीदने से पहले सारे डिटेल्स चेकआउट करना। तो ये था आज का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको लर्निंग के लिए दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।